नेल्स चेंज कर रहा हूँ इनके स्पाइक्स के और क्लीन कर रहा हूँ। कितने गंदे हो रखे हैं इनके शूज, कभी क्लीन कर दो यार इन्हें। कर दूंगा, अभी तो धुलवाऊंगा यार, तो गीला रहता है ना, इसलिए मैं सुबह के टाइम वो नहीं करता है अभी क्लीन। एक करूंगा इनको, एक दिन वॉश कर दूंगा वॉशिंग मशीन में नेल्स। तुम ये क्या कर रहे हो बट अभी? ये इसके नेल्स चेंज किए मैंने, क्योंकि ये थोड़े घिस गए थे, और क्या होता है जब घिस जाते हैं ना तो बॉडी गिर जाती है, मैं बता रहा था ना अभी जैसे पहले। तो ये सब चीजें का ध्यान रखना पड़ता है कि नेल्स आपके सही रहे। जैसे इस वाले के देखो इसके कितने अच्छे हो गए, नहीं तो बड़े कर दिए ना सारे। अच्छे तो हो गए हैं कि, बट इनको वॉश करने की जरूरत है यार बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज पहाड़ी नानी नाउ विच इज के जी व्लॉग्स। हाँ, तो रिसेंटली गाइज मैंने अपना चैनल का नेम चेंज किया है, जो है पहाड़ी नानी से के जी व्लॉग्स। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ी नानी मैंने काफ़ी टाइम पहले, मतलब दो, जब मैंने चैनल ऑन किया था 2 साल पहले, तब रखा था, और हमेशा की तरह मेरी आँखें छोटी छोटी हो रही, क्योंकि आज बहुत अच्छा सा वेदर है, बहुत क्लियर स्काई है और धूप काफ़ी तेज़ है, तो मेरी आँखें छोटी हो रही, इसलिए आंकी ने भी ग्लेयर्स पहने हुए हैं। बट एनी वेज, हाँ, पहाड़ी नानी से मैंने के जी व्लॉग्स कर दिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल, और वैसे भी मेरे को सब लोग, मतलब एंकी और मेरे फ्रेंड्स वगैरह घर पर भी मेरे को केजी एजी लगे बोलते हैं, तो वैसे सोचा ठीक है मैं केजी व्लॉग्स कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ पहाड़ी नानी। तो हाँ जी, मेरा व्लॉग का नेम हो चुका है चेंज, मैं जा रही हूँ अभी जिम वर्कआउट करने, और जिम का रूटीन दिखा देती हूँ आपको कि मैं जिम में क्या क्या करती हूँ, कौन कौन से वर्कआउट करती हूँ, और उससे भी बेटर कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज ये है एंकी का क्रिकेट ग्राउंड। मैं एक्चुअली यहाँ पर ही आ गई थी वॉक करते करते, एक वार्म अप सेशन तो करना होता है जिम में भी, तो मैंने सोचा थोड़ा फास्ट वॉक करते करते मैं यहाँ पर आ जाती, क्योंकि यहाँ पर एंकी अपनी रनिंग के लिए मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, तो एंकी का रनिंग हो चुका है और काफ़ी सारे वर्कआउट भी वो यहाँ पर कर लेते हैं, तो वो सब भी हो चुका है, और अभी मैं जा रही हूँ जिम। टी शर्ट पहनी है तो ठंड लग रही है, क्योंकि अभी हवा चल रही है और हर जगह ग्रीनरी है और पेड़ है, तो मतलब हवा चल रही है तो हमें भी ठंड लग रही है, धूप में जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है वेदर। और आज तो आईपीएल फाइनल भी है किसी। यस। किसे सपोर्ट कर रही हो? चेन्नई की। मैं चेन्नई चाहती हूँ जीते, बट चांसेस लग रहा है गुजरात भी जीत सकती है, गुजरात भी चेन्नई अच्छी टीम है। एनी टाइम चेन्नई। ओके, मजा आएगा मैच देखने। मैच देखने चलेंगे, देखते हैं। मेरी आंखें बंद हो रही है यार, चश्मा दो। सेशन हमारा हो चुका है, और मैं आई हूँ एग और ब्रेड लेने, एग ब्रेड ले लेती हूँ और फिर निकलती हूँ यहाँ से भी। गाइस, आई एम बैक टू द ग्राउंड, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई हुई है, तो एंकी को कॉल आया कि टीम आई हुई है, और कुछ प्लेयर्स इसमें से ऐसे भी है जिनके साथ एंकी ना आईपीएल खेल चुके हैं, तो एंकी ने कहा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनको जाके मिलूँगा ज़रूर, तो फिर कुछ अभी मैं भी आ गई हूँ यहाँ पर, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी ज़रूर मिलूँगी इनसे, कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक करवाऊँगी और कुछ शॉर्ट्स वगैरह लूँगी जो मैं आपको भी दिखा पाऊँ, तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए।
ही ऑलवेज गेट द शेप। गाइस यहाँ पर पूरी जो बॉलिंग लाइन है ऑस्ट्रेलिया की वो बॉल कर रही है, ये मिचेल स्टार्क, सॉरी मिचेल मार्श। Then I went to Tom. I just texted Tom, and he was like, "Okay, you can come to my house, and we can watch together." Yeah. And suddenly I got the notification that it was stopped, suspended. थैंक यू। कैसा था एक्सपीरियंस आज यहाँ पर क्रिकेटर्स के साथ? मजा आया, पता है दो तीन को मैं जानता भी था। हाँ मैंने तो बताया पहले। हाँ, कि मैं मिला उससे तो बड़ा अच्छा लगा, उस्मान ख्वाजा से मिला। स्मिथ के साथ तुम आईपीएल खेल चुके हो ना? राजस्थान रॉयल्स। और अच्छी बात पता है क्या यार, वो याद था उसको, वो जब मिला भी ना अपने को यहाँ पे मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और हमारी बात बात भी हुई थोड़ी बहुत की कैसे क्या था। Can you please throw see this? Right to yep. See you soon. See ya. See ya. Talking loudly. See you later, yes. Katie. Fall over that. Thank you. मजा आया ना? बहुत। पता है मैं तो just guys अभी आई थी यहाँ पर, पर एंकी काफी देर से थे। जैसे मैंने आपको बताया 2-2.5 घंटे, शायद नहीं बताया होगा, पर 2-2.5 घंटे से एंकी इन्हीं के साथ थे, ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ प्रैक्टिस में हेल्प आउट कर रहे थे और वो ये सब चीज़ें चल रही थी। पर आप तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, मज़ा आया इनके साथ, एक्सपीरियंस कैसा था? मज़ा आया। और हुआ क्या ना, मैं रोज़ जैसे आता हूँ ना वॉक करके तो ये पूरी खाली रहती है रोड, और आज गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई। हाँ मैं जब आई थी ना बहुत सारे पुलिस वगैरह यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, मैंने नहीं कैप्चर किया। मतलब हर चीज़ कैप्चर करना मतलब कई बार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने नहीं कैप्चर किया, बट बहुत मज़ा आया। मज़ा बहुत, हाँ अच्छा लगा यार। हम आ चुके हैं घर, और बस घर सिर्फ 2 मिनट के लिए आए हैं, क्योंकि बस एंकी को थोड़ा चेंज वगैरह करना है, और मैं भी देखती हूँ थोड़ा सा कुछ फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ, क्योंकि आज मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है। वर्कआउट भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट अभी तक कुछ खाया नहीं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह। चाबी घुमा के अंदर। क्यों? अरे घुसो ना। बट क्यों? वीडियो क्लिप अच्छी आती है। तुम सिर्फ एक वीडियो के लिए मुझे ये चाबी दे रहे थे? जा चलिए ठीक है, आपके लिए मैं ये भी कर दूंगी। डन। एंकी चलो पहले ये खा लो। यार ये भूख तो लगी, अच्छी चीज़ है। पकड़ लो पूरा, ठीक से खाना, और वो खजूर भी है वो भी खाना उसमें। मैं जब तक अपने बस ये पहन लेती हूँ, और शूज पहनना है मेरे को, मैं भी रेडी हूँ। ठीक है शूज पहन लो। ले लिया के जी? नहीं यार लेनी है अभी, मैं तब तक पहले ये पहन लेती हूँ फिर। ये अच्छे शूज हैं यार तुम्हारे। बहुत मैंने पहन लिए हैं की, अब मुझे नए शूज दिलवाओ, अच्छे वाले शूज दिलवाओ मुझे प्लीज। यहाँ पर एसिक्स के बहुत अच्छे शूज मिलते हैं, वो ले लो तुम। कहाँ पे? यहाँ पे यूके में एसिक्स के शूज बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके। वो ले सकती हो तुम। ठीक है चलो पॉलीथिन लो और चलते अपन निकलते हैं। बनाना खा लो। नहीं मैं नहीं खा रहा, तुम खा लो। इंडियन वेयर पहनना ना वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, यहाँ वाले कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, तो बाई से पतले से लगते हैं आपके कपड़े पहन के, और इनके बड़े लूज अजीब सा साइज है, एल साइज कैसा होता है कि यहाँ से ऐसा ढीला। तुम्हारे फॉर्मल कपड़ों की बातें कर रहे हो? हाँ जो मतलब इन्होंने टीम की प्रैक्टिस के लिए दिए ना मेरे को। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको ऐसे टी शर्ट में अच्छा लगता है? यह अच्छा लग रहा है, पर तुम मुझे शर्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हो। मेरे को टी शर्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है।
टी शर्ट पहनना बहुत, बट तुम शर्ट में ज्यादा स्मार्ट लगते हो। ओके, याद रखूंगा मैं। चश्मा और कपड़े वपड़े एकदम पूरे गैंगस्टर, चेन बाहर अच्छी लग रही है। हाँ मैं गैंगस्टर। कैसे गैंगस्टर? आज तुमने फोटो में भी ऐसे किया ना। मैं बूमरैंग बनाने का सोच। वाओ कितना अच्छा गुलाब है, ओ माय गॉड, बड़ा है पटना। वीडियो में ऐसे छोटा सा ही लग रहा है। क्या कर रहे थे? बैटिंग स्टैंड, जहाँ देखो वहाँ बैटिंग की प्रैक्टिस। हाथ चल जाते हैं ऐसे यार मेरे। आई नो कोई बात नहीं। तुमने देखा था थोड़ी देर पहले मैं बॉलिंग एक्शन कर लिया था। तुम वो पेड़ की वीडियो बनाई थी तो मैं करना जरा। हम कहाँ जाएंगे? अच्छा यहाँ पर सेवर्स हेल्थ होम एंड ब्यूटी, लेट्स गो इनसाइड। याद आया कि ना वो एक क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर खत्म हो गई है, मेरे को मॉइस्चराइजर भी चाहिए। हमने ली नहीं वहां से? मैं क्या कर रही हूं, कैमरा टिल्ट हो गया। हमने ली नहीं वहां से? नहीं, मॉइस्चराइजर मेरे को अभी याद आया। अरे यहां से ले लेते हैं, आइसलैंड से देखते हैं यहां पे वो। डन, कॉफी पियेंगे उसके बाद? हां पर गर्मी हो रही है, मैं सोच रही हूं कुछ ठंडा ठंडा पी लूं। करेक्ट, कोस्टा से। सही बोला। रसो खाओगी? तो मुझे क्रोसॉ का लालच मत दो। हम गाइस हम पहुंच गए हैं आइसलैंड और देखते हैं यहाँ हमें क्या मिलेगा। वैसे बेसिकली मेरे को मॉइस्चराइजर चाहिए, मैं सिर्फ अभी के लिए मॉइस्चराइजर लेने के लिए आई हूँ। मिलता है ना। I don't know. हम आ गए कोस्टा। कोस्टा चलते हैं ना। यार यहाँ तो लाइन लगी हुई है। Medium size. One chocolate bud bomb. Thank you. Cheers. Cheers. Is this a strawberry lemonade? हाँ, माना पड़ेगा तुम्हें अंदर। तो मैंने देखा था डार्क रेडिश कलर का हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। हो जाएगा। होने लगा? मैं टेस्ट करूँ? बिल्कुल, आप ही करना। वेरी ठंडा लगा उसमें। हम अपना ड्रिंक टेस्ट करूं। दिस इज एक्चुअली नाइस ट्राई। Cheers. Cheers, bro. Thank you. Guys, हम आ गए हैं वापस घर और बॉडी लोशन जो था वो मिला नहीं। बॉडी लोशन ना की नहीं मिला वो हमें। कोई बात नहीं, और अब थोड़ा सा थक चुके हैं और कुछ नहीं, बस अभी क्या भूख लग रही है बहुत तेज।
क्या बना रही हो? भूख लग रही है बहुत तेज यार। मैं सोच रही थी तुम लंच बना दो, आज उस दिन बोल रहे थे मैं बनाऊंगा। अभी नहीं बना पाऊंगा, आज तो ज्यादा लंबा सेशन हो गया था प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या खाओगे? आलू का पराठा। आलू का पराठा खाना है आपको? जी ठीक है, कूल बनाऊंगी। क्या बात है, बना देती हूँ आलू का पराठा। अभी तक तो मैं यही सीख रहा हूँ। चट्टे फट्टे हम भी बना लेते हैं आलू का पराठा। चट्टे फट्टे, चट्टे फट्टे जो भी है व्हाटएवर। मैं अभी लेकिन सिक्कों से उलझा हुआ हूँ। क्यों, क्या हो गया? कूद रही हूँ अभी। क्या बात है, मतलब तुमने मेरी बात इतनी सीरियसली ली कि आलू के पराठे खिलाऊंगी आज? तैयार, आलू बॉईल भी कर दिया मैंने। क्या बात है, मैं थोड़ी देर ऊपर नीचे क्या हो जाऊं, तुम पूरा घर घुमा के एकदम रख देते हो जगह पे। तुमने बोला है तो खिलाना तो पड़ेगा ना इनकी। के जी लग तो एकदम अपने अच्छा ही रहा है। नहीं, अभी तो अच्छे से सेकना है इसको। और अभी तो सेकना है, अभी तो फिर मतलब अभी सब एक ही बार पलट लीजिए। पता नहीं आ रहा है कि कैसा बना। अच्छा ही बना होगा यार, तुम्हारे हाथ में है वो। हमारे पास वो कुछ चीजें नहीं थी, जैसे वो अजवाइन होता है वो नहीं था। हाँ, चाट मसाला वगैरह, मतलब चटपटा बनाने के लिए बहुत कुछ डालते हैं ना। पर मैं देखती हूँ कैसा बन रहा है, जैसे भी बनेगा मुझे पता है खा लोगे। मुझे तो अच्छा दिख रहा है, दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है। ओहो क्या कलर है, एक मिनट रुको। नाइस बॉय, लव इट। अब आने दो मेरी प्लेट में दही अचार के साथ, मजा आ जाएगा। नाइस। तो मेरी मास्टर शेफ क्या कहना है आपका इस पराठे के बारे में? वो तो खा के तुम बताना। अब मेरा सेकंड पराठा भी रेडी है यार। लग तो अच्छा रहा है, सही में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो खा के बताता हूँ मैं। थैंक यू, मेरा पराठा तो इसमें ही फूल रहा है। रोटी के जैसे फूल गया। मजा आ रहा है पराठे बनाने में मुझे। मजा आ रहा है मुझे, यहाँ पर खाने में मजा आ रहा है। मुझे खाने में मजा आ रहा। जैसे मुझे पसंद है ना वैसे बनाएगी तुम, हल्के से क्रिस्पी। अभी एक और ला रही हूँ। अभी ये वाला जो फूल गया ना, ये तुम्हारा है, मतलब ये तुम्हें खाना है। एक और बार मास्टर शेफ, बस आ गई। एक पराठा और दे दो यार, बना तो रही है यार। मजा बहुत आया इस पराठा खाने में, अचार दही। मास्टर शेफ आ गई है। क्या बात है, एक और पराठा लेके। ओह नाइस। केजी से पता क्या कहते हैं? तवा तोड़ पराठे कहते हैं। मास्टर शेफ एक बार हाथ तो हिला दो हमारे व्यूअर्स के लिए। हेलो जी, तो हाँ हमारा लंच हो चुका है, और लंच में आज मैंने बनाया था आलू पराठा, आलू प्याज का मिक्स पराठा। बट उसमें मैंने आलू की क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी और प्याज की क्वांटिटी कम रखी थी, तो वो लाइक आलू पराठा ही था। तो बेसिकली हाँ, एंकी को भी बहुत पसंद आया। मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग तो अच्छा ही बना था। वैसे हम जो मम्मी बनाती है हमारी, मेरी मतलब दोनों मम्मी जो बनाती है वो बहुत अच्छा बनाती है आलू पराठा। उनके जैसा तो नहीं बना था, बट देन ठीक है। एंकी तो क्या था, बहुत अच्छा बना है। फिर जब मुझे लगा मेरा दिल रखने के लिए कह रहा होगा, बट फिर जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे भी लगा हाँ नहीं ठीक है, काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा ही था। और जैसे आपने देखा, आज मॉर्निंग में पहले मैं जिम गई, उसके बाद फिर ग्राउंड गई, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी, क्रिकेट टीम, तो उनसे मिली, हमने काफ़ी सारी चटर पटर बातें की, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाए। और फिर बस फिर मैं गई, मुझे अपना थोड़ा बहुत सामान लेना था, जैसे शैम्पू कंडीशनर एंड वो सब चीज़ें। बट मुझे एक चीज़ नहीं मिली, आउच, एक चीज़ मुझे नहीं मिली, वो थी बॉडी लोशन। पता नहीं क्यों नहीं मिला बॉडी लोशन, तो फिर मैं सोचूँ वो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी, और अभी अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लूँगी वो।
और बस बाकी जो सामान मुझे चाहिए था वो मैं ला चुकी हूँ, जैसे कोलगेट और शैम्पू। ये यहाँ पर एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, एक बार मैं सोचा ये ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि आजकल मुझे थोड़े बहुत डैंड्रफ इश्यूज़ हो रहे हैं। फिर ये कुछ पपाया कंडीशनर और एक और मैं शैम्पू लेकर आई हूँ, साथ में है कोलगेट, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। और जो चीज़ें मुझे नहीं मिली वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। और फ़िलहाल एंकी को भी जाना है प्रैक्टिस करने वापस से, तो हाफ एन आवर अभी उसके पास टाइम था लंच के बाद, तो वो जाकर सो रहा है, पता नहीं सो भी रहा है या क्या कर रहा है। मैं एक बार बस जाके चेक कर लेती हूँ एंकी क्या कर रहा है और आपको भी दिखाती हूँ। आई थिंक एंकी सो रहा है। गाइस एंकी सो रहा है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस बस आज हमने यही सारा काम किया। मैं क्या मुझे बस नींद आई थी गाइस, तब तक एंकी उठ गए, इनको अभी एंकी को जाना है प्रैक्टिस के लिए। मेरे को थोड़ी थोड़ी सी नींद अभी भी आ रही है, अभी एंकी प्रैक्टिस पे जाओगे तो मैं सो जाऊंगी। यार मुझे पराठे खा के पता कैसी नींद आई है, मेरे को ऐसा लगा किसी ने बेहोश के इंजेक्शन इधर ठोक दिया और आराम से मैं पड़ा हुआ सो रहा हूँ। मन तो कर रहा है, अलार्म बज रहा था ना तो भी मैं उठ गया था, ऑलमोस्ट उठ गया था। मेरे को लगा कि हाँ मैं उठ जाऊंगा, चला जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्या नींद आ रही है यार, तुम्हें ऐसे देख के तो मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ अभी। तुम सो आराम से, रेस्ट करो, मैं जाता हूँ प्रैक्टिस करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर बस गाइस आज के लिए इतना ही ब्लॉग। अभी तो मैं सोऊंगी, सो के उठूंगी शायद, उसके बाद तो कुछ नहीं, आलस अब फैल चुका है मेरे अंदर। तो आज मैं कुछ और करने वाली हूँ नहीं, तो ये व्लॉग को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बस आज के लिए यहीं पर एंड कर देते हैं और प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और एंकी अभी जा रहे हैं प्रैक्टिस करने, अच्छे से प्रैक्टिस करना एंकी। ओके बाय बाय, आपको भी बाय।